उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक ने थाने में पहुंचकर हंगामा मचा दिया। सपा विधायक के धरने की खबर पर कांग्रेस और सपा के सीनियर लीडर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को बीएसएफ जवानों को बुलाना पड़ गया। तब भी समाजवादी पार्टी के लोगों का हंगामा नहीं थमा। सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला कानपुर के फजलगंज थाने का है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने एक आम इंसान को महज इस बात पर गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की तरफ से पूछे गए किसी शख्स के घर का पता बता दिया। साथ ही उसने प्रत्याशी नसीम को बहू रानी आ गई है इस बार ये कहकर संबोधित कर दिया। यही वजह उस शख्स की गिरफ्तारी की वजह बन गई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस बात का बड़ा विरोध कर दिया। सपा विधायक का कहना है कि पुलिस बेवजह आम लोगों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जब फजलगंज थाने में जाकर गिरफ्तार किए गए शख्स के कसूर को पूछा तो पुलिस ने उसे छोड़ देने की बात कही। सपा विधायक की ओर से पुलिस पर आरोप लगाए गए जिसके बाद सपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, सपा के कई वर्तमान और पूर्व विधायक, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन समेत सभी नेता थाने की जमीन पर ही बैठ गए और धरना देकर पकड़े गए शख्स को छोड़ने की मांग कर प्रदर्शन पर अड़ गए। वहीं इस बाबत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर नेताओं को समझाने लगे। काफी मान मनोवल के बाद विधायक अमिताभ वाजपेयी पुलिस की बात पर राजी हुए। विधायक ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले में उच्च अधिकारी से जाँच कराई जाएगी, पकड़े गए शख्स को छोड़ा भी जाएगा, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये एक निर्दोष आदमी, पब्लिक का आदमी, ना हमारा कार्यकर्ता ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता, उसने शिष्टाचार में खाली एक गमी वाले घर का पता बता दिया। इस अपराध में उसको जेल भेज दे रहे हैं, उसको अब जाने क्या क्या उस पर आरोप लगा रहे हैं। अब वो बेचारा गरीब आदमी, लेना ना देना। तो पुलिस लगातार सपा कार्यकर्ता उत्पीड़न कर रही थी, कांग्रेस वालों को कर रही थी, हमारे नेताओं कर रही थी, हमारे जनसंपर्क करने वालों को धमका रही थी, जनसंपर्क के रास्ते में आके अड़ंगे लगा रही थी, केस को केडी धमका रही थी। हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अगर आम आदमी को उत्पीड़न इस प्रकार से करेंगे, खाली इस जुर्म में उसे रास्ता बताया था, तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। आज इस पुलिस के अत्याचार के खिलाफ हम लोग धरने पर बैठ करके मांग कर रहे हैं कि पुलिस का अत्याचार बंद होना चाहिए। चुनाव हो तो भाजपा से हो ना, चुनाव पुलिस क्यों लड़ रही है? पुलिस के चुनाव लड़ने की व्यवस्था के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है वो भी सुनिए। देखिए, एक फजलगंज के अशोक कुमार गुप्ता हैं जिनका शांति भंग के आरोप में चालान किया गया धारा 151 में। उसी के संबंध में माननीय विधायक श्री अमिताभ वाजपेयी जी और अन्य लोग जो है तो थाना परिसर में आए हैं। अशोक कुमार गुप्ता को भेज दिया गया है, मेडिकल और चालान उसका भेज दिया गया है। माननीय विधायक जी से वार्ता की जा रही है, जल्दी समाधान किया जाएगा। ये शांति भंग के आरोप में जो चालान किया गया है उसी के संबंध में विरोध कर रहे हैं, वार्ता की जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों और विधायक के बीच आश्वासन के भरोसे इस प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है। कानपुर से विकास धीमान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।